और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं रशिया यूक्रेन युद्ध की। यूक्रेन पर लगातार हो रहे रूसी हमलों के बीच G7 देशों ने एक बार फिर से यूक्रेन की ढाल बनने का ऐलान कर दिया है। व्लादिमीर पुतिन की तमाम धमकियों को दरकिनार करते हुए कहा गया कि यूक्रेन को लगातार हथियारों की मदद की जाती रहेगी। और आपको बता दें, इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर पुतिन को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ पुतिन सारे अनुमान गलत लगा बैठे हैं। सेना के पलटवार ने पुतिन को इस कदर उकसाया है कि वो किसी भी कीमत पर यूक्रेन के एक एक हमले का जवाब दे रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ कभी भी टैक्टिकल वेपन का इस्तेमाल कर सकते हैं।